सबसे पहले जो हमारा तरीका हुआ बीज उपचार करने का, सबसे पहला तरीका जो एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता कि हम तीनों चीज़ों को मिला के एक साथ उपयोग कर दें, तो इस चीज़ों को अवॉइड करना है अपन एक के बाद एक, है ना। यहाँ पर हम बात करें जो FIR सिस्टम होता है, FIR का मतलब फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी, और उसके बाद जो R का मतलब हमारे रेजुलियम से नहीं है, R का मतलब जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, है ना, उनसे है। तो यहाँ पर हम जो राइजोबियम होता है जो दलहनी फसलों में उपयोग करते हैं, और गेहूं जो भी हमारे अनाज वाली फसलों उसमें एजोटोबैक्टर और एजोस्पर्म उनका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम फफूंदनाशी से उपचार करेंगे। इसके लिए हमें 4 ग्राम फफूंदनाशी वेविस्टिन प्रति किलो बीज के हिसाब से लेंगे। जितना भी हम बीज लेना उसके हिसाब से हम उसकी मात्रा लेके एक बर्तन में उसको पाउडर को डालेंगे, उसका घोल बनाएंगे, और हल्के हल्के हाथों से जो हमारा बीज है उस पर लगाएंगे। और जैसे ही हमारा वो पूरा उपचार हो जाएगा फफूंदनाशी का, उसको थोड़ी देर के लिए अपन रख दें, है ना, ताकि उसकी जो परत है उस पर दानों पर अच्छी तरह से बैठ जाए। कुछ समय बाद जब हमारा जो बीज है सूख जाएगा उस दवाई से, फिर उसके बाद हम जो कीटनाशी है जो हमारा थायमेथोक्सम 30 जो कि हम प्रारंभिक अवस्था में कीटों प्रबंधन के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसका भी जो उपचार करेंगे, इसके लिए हम 4 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेंगे। और जब ये दोनों चीज़ हो जाएँ तो हम अच्छे छाँव में हम अपने बीज को सुखाएंगे। उसके बाद जो हमें कल्चर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये कल्चर ही है जो हमारे जो पौधों में जो आवश्यक जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। इसके लिए हम एजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसका घोल बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए वो बीजों में। पाउडर फॉर्म में आए तो गुड़ मिलाएंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में आए तो उसकी जरूरत नहीं है फिर उनको, है ना। तो अगर लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो उसकी मात्रा भी कम जाएगी, 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लगेगा। अगर पाउडर फॉर्म में है तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के। तो इस तरीके से जब हम आखिरी में कल्चर करेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अगर हम पहले कल्चर कर लेंगे और बाद में कीटनाशक फफूंदनाशक तो उसके जो माइक्रोब्स होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। तो जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं, परिणाम चाह रहे हैं, वो हमको प्राप्त नहीं होंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है हमको। और जब हमारे तीनों चीज़ों से उपचार हो जाए, अच्छी तरह सुखा लें उसको, और फिर उसके बाद फिर हम उसकी बुआई करेंगे, जितना भी हमें उसमें संतुलित फर्टिलाइजर देना उसको मिला के। अब बीज उपचार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे जो भी अनाज होगा अपना, बच्चों की पहुँच से दूर, गाय जो भी हमारे यहाँ घरों में जानवर हों उनकी पहुँच से दूर रखें, जो भी इसकी सामग्री बचती है उनका व्यवस्थित तरीके से उसका निपटान करें, और बीज उपचार करने के पश्चात अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोने। धन्यवाद।